हल्द्वानी के विभिन्न बूथों के निरीक्षण पर पहुंची जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की है। बता दें कि बूथों के निरीक्षण करने पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने मतदान कर्मियों का हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वंदना सिंह ने कहा कि जिले की 6 विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। 11 बजे तक लगभग जिले में 29% मतदान हुआ है। शुरुआत में मॉक पोल और वास्तविक पोलिंग के दौरान कई जगह ईवीएम में टेक्निकल इश्यू आए हैं, जिनका तत्काल सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से दूर किया गया है। फिलहाल पूरे जनपद में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान चल रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सभी जगह जनपद की जो 6 विधानसभाएं हैं उसमें मतदान शांतिपूर्वक समय से आरंभ हो गया। एक दो जगह पर मॉक पोल के दौरान और बेतालघाट क्षेत्र में वास्तविक पोल के दौरान कुछ मशीनों में जो है टेक्निकल इशू की समस्या आई थी। उसके लिए हमने पूर्व से ही सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को रिजर्व ईवीएम ऑलरेडी दी हुई है। अगर कहीं रिप्लेसमेंट की स्थिति बनती है तो रिप्लेस किया जाता है। सभी जगह समय से मशीनों को रिप्लेस कर दिया गया, जहाँ पर भी इस तरह के तकनीकी खराबियाँ थी। और अभी वर्तमान में जनपद की सभी विधानसभाओं में 11 बजे तक लगभग 29% वोटिंग हो चुकी है और अच्छी संख्या में लोग वोट डालने के लिए बूथों पर आ रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि सब लोग अपना वोट डालने के लिए बूथों पर ज़रूर आएँ और जनपद में अच्छा मतदान प्रतिशत हो, उसके लिए मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी ये अपील है कि आप सभी तक संदेश पहुंचाएं कि सभी व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो युवा वोटर्स हैं, जो महिला वोटर्स हैं, जो जहां जिन बूथों में मतदान प्रतिशत कम रहता है, विशेष रूप से वहां मेरी विनम्र अपील है कि सभी जनपद में सभी बूथों में अच्छा मतदान प्रतिशत रहे और 100% लोग अपने मतों का प्रयोग करें।